जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल मैप अब बदल चुका है। जी हां, परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधानसभा सीटों को बढ़ाने का फैसला किया है। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए कुल 7 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के अमल में आने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। जस्टिस रिटायर्ड रंजना देसाई की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर पर गठित 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग ने गुरुवार को इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिया है। परिसीमन आयोग का कार्यकाल शुक्रवार यानी 6 मई को खत्म हो रहा था। क्या है पूरी खबर, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये परिसीमन क्या होता है। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया परिसीमन कहलाती है। परिसीमन का मुख्य आधार जनसंख्या होता है, लेकिन सीट तय करने से पहले क्षेत्रफल, ज्योग्राफिकल कंडीशन और कम्युनिकेशन की सुविधा पर भी ध्यान दिया जाता है। पहाड़ी और बर्फीला क्षेत्र होने की वजह से जम्मू कश्मीर में आवागमन मुश्किल है, इसलिए लोगों को ऐसे क्षेत्रों में रखने की कोशिश की जाती है जिससे उनके सरकारी काम आसान हो और उन्हें वोट देने में भी सुविधा हो। जम्मू कश्मीर में इससे पहले 1995 में परिसीमन हुआ था, लेकिन तब इस राज्य का राजनीतिक नक्शा अलग था। तब लद्दाख भी जम्मू कश्मीर के साथ था, लेकिन 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के साथ ही केंद्र ने लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता दे दी। अब इन सबके बीच जो बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि इस आयोग ने कश्मीरी पंडितों के लिए भी 2 विधानसभा सीटों को रिजर्व करने का प्रस्ताव दिया है। अब इस आदेश की एक प्रति और रिपोर्ट सरकार के पास भेजी जाएगी। इस रिपोर्ट में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, उनका क्षेत्र आकार और जनसंख्या आदि का विस्तृत विवरण है। इसके बाद एक गैजेट अधिसूचना के माध्यम से इस आदेश को लागू कर दिया जाएगा। चलिए जान लेते हैं कि इस आयोग ने अपने प्रस्ताव में और क्या कुछ कहा है। इस कमीशन ने प्रस्ताव दिया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी जाए। इसके अलावा पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK के लिए 24 सीटें खाली रखी गई हैं। ये सीटें पहले भी खाली रखी गई थी। परिसीमन आयोग के अनुसार जो 7 सीटें बढ़ाई गई है उनमें से 6 सीटें जम्मू के हिस्से आएंगी और 1 सीट कश्मीर में बढ़ाई जाएगी। बता दें कि अभी जम्मू रीजन में 37 विधानसभा सीटें हैं, जबकि कश्मीर क्षेत्र में 46 विधानसभा सीटें आती है। इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद जम्मू में विधानसभा सीटों की संख्या 43 हो जाएगी, जबकि कश्मीर डिवीजन में सीटों की संख्या 47 हो जाएगी। इस परिसीमन के लागू होने के बाद जम्मू का राजनीतिक महत्व और बढ़ जाएगा। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2 सीटें कश्मीरी प्रवासियों के लिए रिजर्व रखी गई है। आयोग ने रिपोर्ट में इसके लिए कश्मीरी प्रवासी यानी कश्मीरी माइग्रेंट्स शब्द का इस्तेमाल किया है। माना जाता है कि इस फैसले से विधानसभा में कश्मीरी पंडितों का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग में पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें से 6 जम्मू रीजन में हैं, जबकि 3 कश्मीर संभाग में हैं। बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनावों का रास्ता साफ करने के लिए मार्च 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। बता दें कि इस रिपोर्ट के जारी होने के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। परिसीमन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है। ऐसे में ये जम्मू कश्मीर के लिए काफी अच्छी खबर है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर विभाग के साथ।